दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पवन उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। सो गाइज, आज मैं आया हूँ कौसानी जो है लगभग हल्द्वानी से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस यहाँ का नियर रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और आप बस के थ्रू यहाँ आ सकते हैं कौसानी। तो केमू की बसें, रोडवेज की बसें यहाँ चलते रहती हैं वाया रानीखेत वाया अल्मोड़ा, तो आप लोग इसके थ्रू आ सकते हैं। किराया मात्र 200-250 रुपये की रेंज में आप पहुँच सकते हैं यहाँ। तो यहाँ कौसानी में देखने की काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम एंड गांधी आश्रम एंड टी गार्डन। तो उनमें से एक जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का म्यूजियम जो है, तो वहाँ पर मैं अभी आया हुआ हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में काफ़ी किताबें एंड काफ़ी उनकी पुरानी फोटोएं एंड उनके कपड़े और उनकी टेबल, उनके चेयर वगैरह सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं पंजी, तो पंजी यहाँ के बारे में आपको बताएंगे कब से है संग्रहालय और क्या है। संग्रहालय 1987 में इसकी भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई है और कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को एक कौसानी में हुआ था और इनकी जन्म के 6 घंटे के पश्चात इनके माँ का अवसान हो गया था और पंत जी का लालन पालन की मौसी द्वारा किया गया था। पंत जी छायावादी युग के एक, कहा जाता है कि पंत जी एक कवि भी थे, उन्होंने काफ़ी सारे किताबें लिखी थी। छायावादी कवि थे और पंत जी ने 7 वर्ष की ही उम्र में कविता की रचना कर दी थी और ये इनकी प्राइमरी शिक्षा यही कौसानी से हुई थी और बाद में ये इलाहाबाद चले गए थे, वहीं रहने लग गए थे। अच्छा, धन्यवाद पंत जी। तो इस तरह है पंत जी के कपड़े वगैरह, टेबल वगैरह, और इस तरह से पंजी की फोटो हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरह पुरानी काफ़ी सारी फोटो हैं पंजी की एंड पुरानी किताबें हैं जो अलमारी के अंदर रखी हुई हैं। तो आप लोग आ सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं, इनमें काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए हैं जिनको पढ़ के आपका माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जो कि बहुत आपको इनको पढ़ के काफ़ी सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग आइए कौसानी में, इनको पढ़िए। तो इस तरह से पंजी का म्यूजियम यहाँ पर है, तो कुछ आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, पंजी का म्यूजियम बाहर से कैसा है। तो ले चलता हूँ मैं आपको बाहर की तरफ, तो मैं चलता हूँ बाहर की तरफ, दिखाता हूँ कुछ पंजी के बाहर, संग्रहालय के बाहर के नज़ारे को। इस तरह से है सुमित्रानंद पंजी का म्यूजियम के बाहर का नज़ारा, तो देख सकते हैं आप पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी पुराने कलाकारों द्वारा काश्तकारी बनी है। इस तरह म्यूजियम का नज़ारा कौसानी में, काफ़ी सुंदर फूल लगाए हुए हैं किनारे किनारे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।